और हमने कहा कि भाई उनको एक सीट देने से तो कुछ जा नहीं रहा है, बल्कि उनके पास एक मेजॉरिटी ऑफ द टीम वोटर्स का आ रहा है उनके पास, उनको खोने के लिए कुछ नहीं है, आज जो भी होगा उनको पाने के लिए होगा। हम तो उनको दे रहे हैं, हम मांग कुछ नहीं रहे, एक सीट मांग रहे हैं, और एक सीट के बदले में हम पूरी पूरे हिंदुस्तान में पूरे दिल्ली के अंदर आपको 80-90 लाख वोट देने के लिए तैयार हैं। आपको देश में हलचल है क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव है, चुनाव है तो अपने हक की बात करनी पड़ेगी। राजनीतिक सत्ता में अपनी जो अधिकार हैं, संविधान में जो अधिकार दिए हैं, उनकी बात करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं देश के संसाधनों पर अपनी जो हिस्सेदारी है उसकी बात अगर हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरे को क्या पड़ी है वो हमारे हक की बात करें। मेरे साथ अंसारी जी एडवोकेट हैं और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है अंसारी समाज को लेकर, कहीं ना कहीं एक बहुत, अगर भौगोलिक चर्चा की जाए मुसलमानों की तो लगभग 70-80% के बीच में अंसारी समाज की भागीदारी है, लेकिन अगर हम इसको राजनीतिक की तरफ देखें तो एक भी राष्ट्रीय स्तर का नेता अंसारी समाज ने आज तक नहीं बनाया है। हाँ, कहें कि स्टेट लेवल पर नेता है आपके, ऐसा क्या वजह है? देखिए, ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय लेवल पर नहीं है। आप जब मोमिन कॉन्फ्रेंस अपने उरूज पे थी तो उस वक्त अब्दुल कयूम अंसारी का कांग्रेस के सीनियर सेल मेंबर थे, बिहार प्रदेश के प्रेसिडेंट थे, मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर का उनका कैंडिडेचर था, और उसके बाद ज़ियाउर्रहमान अंसारी, ज़ेडर अंसारी, वो आपको कैबिनेट मिनिस्टर रहे, दो टर्म रहे सेंटर में, बहुत बड़े लीडर थे। मौलाना हबीबुर्रहमान नुमानी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो इस तरह से बहुत सारे लीडर्स रहे। उस समय तो मुसलमानों की वोट की ज़रूरत थी, उस समय जब देश आज़ाद हुआ उस समय लगा कि इस ये बहुत बड़ा तबका है जो देश छोड़कर नहीं गया है, इसको अपने साथ लेकर रखना है। धर्मनिरपेक्षता का नारा दिया और आप लोगों को अपनी तरफ खींचा, लेकिन आप लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या उन्होंने 65 सालों में, चाहे कांग्रेस रही हो या वर्तमान में सरकार है, इन्होंने क्या किया है? देखिए, मैं ये बात बहुत साफ कहता हूँ कि चूंकि मोमिन कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से मर्ज की, कांग्रेस ने काफ़ी हद तक मोमिनों के लिए, अंसारियों के लिए, बुनकरों के लिए, दस्तकारों के लिए काम किया। आज तक लोन नहीं मिलता बुनकरों को, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, वो जो एक ज़माना था बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन ये आज ये सरकार आई है वो सारे बेनिफिट्स और सारे सब्सिडीज इन्होंने ख़त्म कर दिए। तो जो भी किया, मैंने कहा जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस के दौर में ही हुआ, बुनकरों के लिए, दस्तकारों के लिए, लेकिन जो नुमाइंदगी हमारी है पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, इन्होंने उसको इग्नोर किया, और इग्नोर जब किया तो आप देखिए हमारा जो नुकसान हुआ हुआ, लेकिन पार्टी का भी क्या नुकसान हुआ आप देख रहे हैं। उससे क्या हुआ कि जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं उन लोग इंटरेस्ट लेना कम कर दिए, जो टर्नआउट होना चाहिए वोट का वो टर्नआउट कम हो गया। अगर जब तक आप लोगों को, कम्युनिटी लीडर्स को, कास्ट लीडर्स को मोबिलाइज नहीं करेंगे, साथ नहीं लाएंगे, तब तक आप उसको पोल नहीं कर सकते। आप एक सेलिब्रिटी को बना देंगे, जैसे मैंने अभी कहा इमरान प्रताप, एक सेलिब्रिटी को बना दिया आपने, वो गायक अच्छे हो सकते हैं लेकिन एक वोट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी लीडर्स क्या है, वो बिल्कुल बैठे बैठे भी अपने एक शब्दों से पूरे कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सकता है। अच्छा, कांग्रेस के साथ आप लोग गए, उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी की तरफ भी झुके, बसपा की तरफ भी गए, किन पार्टियों का व्यवहार जो है आपको लगता है कि अंसारी समाज के प्रति सहानुभूति वाला रहा, उनके लिए काम किया? इस मामले में सभी एक हैं और सभी को ये है कि इनको मुसलमानों कैसे, ख़ास तौर से मुसलमानों को कैसे एक्सप्लॉइट कर करके उनका वोट ले लें, उनकी नुमाइंदगी नहीं दें, ये सभी पार्टी करती आई है, और ये इसमें दो राय नहीं है। कहने के लिए हम सेकुलर स्टेट ज़रूर हैं, लेकिन जो सेकुलर लीडर जो हैं वो बहुत कम हैं, और अभी के मानने में मैं देख रहा हूँ कि कोई उभरता सेकुलर लीडर है तो दो ही लीडर को मैं मानता हूँ, वो सबसे नंबर वन में लालू प्रसाद यादव और दूसरा में राहुल गांधी। लेकिन उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग लगे हुए हैं जो उनको मिसगाइड करते हैं, लेकिन उनका जहन, कई बार वहाँ इंटरेक्शन हुआ, हम बात हुई, हमारी बात होती है, और उस बात को सोचते हैं और जो बात कहते हैं वो बहुत सही चिबित बात, लेकिन जो लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द लगे हुए हैं, वो कोठरी जो है नुकसान पहुँचा रही है पार्टी को, नुकसान आप देखिए पार्टी को नुकसान पहुँचा रही है। आप देखिए बिहार में एक तरह से कांग्रेस का क्या असर हो गया, आप उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो गया, तो ये लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं, और ये परमानेंट अगर, और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस को जितनी वोट मिल रही है वो खास तौर से पसमानदा मुसलमानों का मिल रहा है। आपको लगता है ऐसा कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपने लिए एक सीट की आपने डिमांड की है उत्तरी पूर्वी दिल्ली की, तो क्या दबाव में ला पाएंगे राहुल गांधी को? मैंने कहा ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा दबाव में लाने के लिए नहीं है। हम जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई टिकट नहीं मिलता है। हमारा ये है लोगों में
बात जानी चाहिए, जानी चाहिए, लोगों को जागरूक करें, अपने लोगों को भी कि देखो अगर ये लोग इग्नोर करते हैं तो तुम्हें आगे क्या करना है, उस पे सोचना है, विचार करना है। तो क्या क्या रणनीति, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हम केवल पार्टी लीडर्स के लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए भी कर रहे हैं, उनको ही मालूम हो कि कौन पार्टी आपको इग्नोर कर रहा है और अगर इग्नोर कर रहा है तो हमें क्या आगे करना है। कांग्रेस तो अपनी जीवन की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रही है, सारे खाते सीधे चुनाव सिर पर है, वो लोग खुद परेशान है, ऊपर से आप लोग परेशान करेंगे उनको। नहीं, हम परेशान कहाँ कर रहे हैं, हम तो एक सीट मांग ली, हम तो उनकी मदद के लिए आ रहे हैं और हमने कहा कि भाई उनको एक सीट देने से तो कुछ जा नहीं रहा है, बल्कि उनके पास एक मेजॉरिटी ऑफ द टीम वोटर्स का आ रहा है उनके पास, उनको खोने के लिए कुछ नहीं है, आज जो भी होगा उनको पाने के लिए होगा। हम तो उनको दे रहे हैं, हम मांग कुछ नहीं रहे, एक सीट मांग रहे हैं और एक सीट के बदले में हम पूरी पूरे हिंदुस्तान में पूरे दिल्ली के अंदर आपको 80-90 लाख वोट देने के लिए तैयार हैं आपको। तो लगभग 100 वर्ष आपके इसको हो गए हैं मोमिन कम्युनिटी को, क्या लग रहा है कि पूरे देश से कितना मतलब प्रचार आप कर पाएंगे, कैसे अपने प्रत्याशी को जिता पाएंगे, अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय लड़ने की सोच रहे हैं? हम कहा नहीं कि हम ये विचार करेंगे, हम लोग इसके बाद मीटिंग अभी जब सबसे पार्टी से हो गई है, जब हमारा रिजल्ट जब सामने आ जाएगा फिर हम इस पर विचार करें करके, हाइपोथेटिकल बात है ना कि हम कुछ कह दें, वो हम उसको डिसाइड करके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए, अपनी हकबारी को लेकर चर्चा चल रही है और कहीं ना कहीं अंसारी समाज इस बार खुलकर सामने आया है कि हमारी जो हिस्सेदारी है वो हमको मिलनी चाहिए। धन्यवाद। उसके अंदर जहाँ जहाँ हमारी पॉपुलेशन है वहाँ हम अंसारी बिरादरी के लिए डिमांड करेंगे, जो सेकुलर पार्टी जहाँ पर आपस में गठबंधन हुआ है तो उन पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं। और इस बात रही दिल्ली की, जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि दिल्ली नॉर्थ के अंदर, दिल्ली जो नॉर्थ ईस्ट है हमारे दिल्ली के अंदर लोकसभा, वहाँ से हमारी वहाँ पर तकरीबन 8.5 लाख वहाँ पर हमारी पॉपुलेशन मुस्लिम है उस सीट के ऊपर, और उसके अंदर तकरीबन 60-70% अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम OBC साथ में अगर मिला दी जाए तो 90% वहाँ पर पॉपुलेशन होती है मुस्लिम की। तो इस तरह से हमारा उन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो कॉलिब्रेशन हमारा उनके साथ भी है, जो और दूसरी हमारी वहाँ पे संस्थाएँ काम कर रही हैं, दूसरी बिरादरी ही काम कर रही हैं। तो ये बहुत टाइम से वहाँ चल रहा था, पहले भी हम लोगों ने एक मसला उठाया था पार्टी के अंदर कि भाई वहाँ एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाए, लेकिन हमेशा से ही इसको नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन अब इस तरह की कुछ समीकरण बनते जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि मोदी सरकार ने जो पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह देश का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह हर आदमी उसकी तानाशाही से बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, तमाम हमारा हिंदू भाई भी जो है, जो सेकुलर हिंदू है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो किसी डर और भयभीत के कारण जो है वो अपनी बात को खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। मेरी वहाँ पे इलाके के अंदर काफ़ी लोगों से बात हुई है तो सबका ये मानना है कि अभी हम लोग वोट जो है इस वक्त मोदी के खिलाफ देंगे। तो मैं समझता हूँ कि खाली मुस्लिम की बात नहीं है, वहाँ तमाम सेकुलर हिंदू भी हमारे साथ आएगा, और अगर इस तरह की कोई समीकरण बनते हैं पार्टी वहाँ कैंडिडेट अगर उतारती है तो वेरन गुड बहुत अच्छी सीट निकाल कर लाएंगे वहाँ पे। जो मौजूदा 10 साल से जो वहाँ सांसद हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं कि मैं पिछले तकरीबन 15-20 साल से उस क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी फिसाद हो या कोई आपदा हो, या अभी जैसे आपने देखा कोविड का मामला चल रहा था उसके अंदर भी हमारी तमाम ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम ने हर ज़्यादा घर पर जाकर एक एक हिंदू मुस्लिम सब जब लोगों के घरों पर जाकर हम लोगों ने जिस तरह की मदद भी उनको मिल सकती थी हमने दी, और पूरा एक एक गली कूचे के अंदर हम लोग घूमे हैं इस तरह पूरे इलाके से नॉर्थ ईस्ट की, मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ, हमारी पूरी टीम वाकिफ है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जब हम जाते हैं तो ये जो हमारा जो मौजूदा वहाँ पे 10 साल से जो सांसद रहे हैं उनके खिलाफ लोगों के अंदर बड़ी नाराज़गी है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, वो इलाके के अंदर आते नहीं है, ना वो लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं ना वो हल करते हैं, इस तरह से लोग दुखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो चुनाव होगा वो उनके खिलाफ जाएगा, और हम यहाँ डिमांड कर रहे हैं आएंगे मोहम्मद चार्ज कि दिल्ली के अलावा भी जहाँ हमारे पूरे क्षेत्र बनते हैं वहाँ हम लोग टिकट की डिमांड करते हैं, और आप सब इसको अगर हमारे साथ मिलकर हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर ये इसमें हमें कामयाबी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।